भारत में इन 11 जगहों पर मौजूद है भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा। शिवरात्रि के मौके पर आसपास के शिव मंदिर में इतनी भीड़ होती है जहां दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि शिवरात्रि की छुट्टी शनिवार और रविवार के साथ है, तो 3 दिन की छुट्टी काफी है जब आप भारत में मौजूद भगवान शिव के विशालकाय प्रतिमाओं के दर्शन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भारत में कहां कहां मौजूद है भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा। लेकिन दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा नेपाल में है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनाथ द्वारा के गणेश टेकरी में बन रही है यह प्रतिमा 351 फीट ऊंची। इस प्रतिमा के दर्शन आप 20 किमी की दूरी से भी कर सकते हैं। मुरुदेश्वरा शिव प्रतिमा, कर्नाटक। ऊंचाई लगभग 123 फुट। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी शिव प्रतिमा अरब सागर के तट पर स्थित है मुरुदेश्वर में, जहां भगवान शिव के साधना में लीन रूप को देखा जा सकता है। मुरुदेश्वर कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले के भटल तहसील में अरब सागर के तट पर स्थित एक कस्बा है। कंदुका पहाड़ी पर तीन ओर से पानी से घिरा मुरुदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अमर होने के लिए रावण जब शिव जी को प्रसन्न करके उनका आत्मलिंग अपने साथ लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में इस स्थान पर आत्मलिंग को धरती पर रख दिए जाने के कारण यहीं स्थापित हो गया था। नागेश्वर महादेव, गुजरात। ऊंचाई 82 फुट। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 केवल गुजरात में ही हैं, पहला सोमनाथ महादेव और दूसरा नागेश्वर महादेव। पहले यह मंदिर इतना विशाल नहीं था, लेकिन टी सीरीज के निर्माता गुलशन कुमार ने इसे इतना भव्य रूप दिया। मंदिर परिसर के बाहर भगवान शिव की विशाल काय मूर्ति है जो 82 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी है। यहाँ शिव जी का एक हाथ जप मुद्रा में और दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में है। तमिलनाडु आदियोग मंदिर। ऊंचाई 112 फुट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 112 फीट ऊंची भगवान शिव की इस मूर्ति को देखने दुनिया भर से लोगों की भीड़ जुटती है। यहाँ भगवान शिव की आंख बंद किए हुए आधी प्रतिमा है जो बहुत ही अलग और खास है। नामची शिव प्रतिमा, सिक्किम। ऊंचाई लगभग 108 फीट। सिक्किम के गंगटोक से 92 किलोमीटर की दूरी पर नामची शहर में पहाड़ी पर 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी के मंदिरों का प्रतिरूप देखने को मिलता है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों को भी मंदिर में दर्शाया गया है। यहां बनी शिव की मूर्ति 108 फीट ऊंची है, जिसे सिद्धेश्वर धाम और किरातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंगलवार महादेव, हरियाणा। दिल्ली से हरियाणा में मंगलवार महादेव की विशाल प्रतिमा मौजूद है, जिसकी ऊंचाई करीब 101 फीट है। शिवरात्रि से अलग यहां आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ देखने को मिलती है। हर की पौड़ी, हरिद्वार, उत्तराखंड। ऊंचाई लगभग 100 फुट। भगवान शिव की खड़ी यह प्रतिमा हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी के पास बनी हुई है, जिसका दर्शन आप गंगा के किनारे से भी कर सकते हैं। जबकि हरिद्वार के पास ऋषिकेश में भगवान शिव की बैठक मुद्रा में भी मूर्ति है। हर शाम हजारों दीपकों के साथ गंगा की आरती की जाती है। हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। शिवगिरी महादेव, बीजापुर, कर्नाटक। ऊंचाई लगभग 85 फुट। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के शिवपुर में शिव की महिमा बतलाता भव्य शिव मंदिर शिवगिरी है। इस मंदिर में स्थित भगवान शिव की विशाल काय मूर्ति 85 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा में शिव को योगेश्वर रूप में दिखाया गया है। शिव जी पद्मासन लगाकर बैठे हैं और उनके दोनों हाथ जप मुद्रा में हैं। यह प्रतिमा 2011 में स्थापित की गई है। कचनार महादेव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ऊंचाई 76 फुट। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के कचनार शहर में शिव मंदिर के पास स्थापित इस मूर्ति की ऊंचाई 76 फुट है। यहां भगवान शिव कर्पूर गौरन रूप में पद्मासन की मुद्रा ध्यान करते हुए दिखते हैं। भगवान शिव का यह रूप मन मोह ले आने वाला है। यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की बनाए गए हैं। कैंप फोर्ट शिव मूर्ति, एयरपोर्ट रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक। ऊंचाई 65 फुट। कर्नाटक के बेंगलुरु में कैंप फोर्ट शिव मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की 65 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें शिव जी कैलाश पर्वत पर साधना मुद्रा में हैं। बेलेश्वर महादेव, भवनज नगर, ओडिशा। ऊंचाई 61 फुट। उड़ीसा के गंजाम जिले के भवनज नगर में स्थित चंद्रशेखर महादेव मंदिर में 61 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है। इस विशाल प्रतिमा में शिव विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं।